Hello students of class 10th, I welcome you all on my YouTube channel Literary Classes. Students, today I am going to share you a very nice short story entitled as A Triumph of Surgery, written by James Herriot. Students, before telling you or entering into the chapter, I would like to say you something about the study related to supplementary readers. Students, as you know from the point view of examination, supplementary reader is also important. Some questions are given for short answers that carry 2 marks, and a long question that comes from supplementary of 8 or 10 marks from the point view of examination. Students, in this supplementary, we should develop the habit of elaborating the events, the habit of writing an action, an event in a very analytical way. Students, in supplementary reader, the stories are taken from many point of view, as science fiction, from ethical point of views and moral point of views. The main aim behind the supplementary studying is to develop your morality, to increase your wisdom, to understand your, to develop your the power of understanding and to make you complete man. तो इस बात को हमेशा आप याद रखिएगा. इस सप्लीमेंट्री को जब आप पढ़ते हैं तो पहले तो पूरे चैप्टर का आप अच्छे से रीडिंग लगाइए, फिर उस कहानी को समझिए और उसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आप आंसर को लिख सकते हैं उसकी भी प्रैक्टिस करिए, और साथ ही साथ अपने विजडम को भी डेवलप करिए. कहीं ना कहीं कंप्लीट जो मैन होता है, जो नॉलेज और बिहेव दोनों में फिट होता है, उस पर सप्लीमेंट्री हमारा बहुत ज्यादा हेल्प करती है. अब आपका समय न बेकार करते हुए मैं आपको चैप्टर में ले चलता हूं. स्टूडेंट्स, द राइटर ऑफ दिस लेसन जेम्स हैरियट वॉज अ वेल नोन डॉक्टर, सर्जन, वेटनरी डॉक्टर एंड अलोंग विद राइटर ऑफ ब्रिटेन. इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ, शिक्षा दीक्षा सब इंग्लैंड से ही है. बाद में चल के ये वेटनरी डॉक्टर बने और उन्होंने अपने साथ राइटिंग भी किया, और इनकी राइटिंग खास करके जानवरों पे ज्यादा पॉपुलर है. तो आइए अब अपने चैप्टर में चलते हैं. चैप्टर का स्टूडेंट्स टाइटल है अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी. ये आपका फर्स्ट चैप्टर है सप्लीमेंट्री का. स्टूडेंट्स, इस पूरे चैप्टर में जब आप जाएंगे तो प्रोमिनेंट 3 कैरेक्टर्स हैं. देयर आर 3 प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स ऑफ द लेसन. नंबर 1, जेम्स हैरियट जो लेसन का नैरेटर है, उन्होंने आई फर्स्ट पर्सन में इस चैप्टर को नैरेट किया है. और इस चैप्टर का जो मेन हीरो है, जिसको हम कह सकते हैं, वो है ट्रिकी, एक पेट डॉग, और उसके बाद मिस्ट्रेस पम्फ्रे जो उसकी मालकिन है, ओनर ऑफ ट्रिकी. स्टूडेंट्स, अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी. ट्रियम्फ का मतलब होता है स्टूडेंट्स टू वीन, विक्ट्री यानी विजय पाना, जीतना. सर्जरी पर जीत, शल्य क्रिया पर जीत. इस कहानी में जब आप प्रवेश करेंगे, स्टूडेंट्स जब आप पहुंचते हैं तो कहानी की ओपनिंग होती है कि जो डॉक्टर होते हैं, जो सर्जन होते हैं, मिस जेम्स हैरियट, वो कार से जा रहे होते हैं और अचानक उनकी कार रुक जाती है. और जब कार रुकती है तो क्या देखते हैं कि उनके सामने मिस्ट्रेस पम्फ्रे हैं और उनका डॉग ट्रिकी है. ट्रिकी एकदम शरीर से मोटा तगड़ा हो चुका होता है, ज्यादा फैटी हो चुका होता है, उसका जीभ पूरा मुंह से बाहर निकला हुआ होता है और एकदम पूरा थका दिख रहा होता है. और बीइंग ए वेटनरी डॉक्टर, वो तुरंत अपनी गाड़ी रोकती है और उनका मिस्ट्रेस पम्फ्री से पहले परिचय भी होता है. तो अब चूंकि मिस्ट्रेस पम्फ्री से वो पहले बता चुके होते हैं कि आप अपने डॉग को यानी ट्रिकी को केयर करिए. और यहां थोड़ा मैं बता दूं, ये जो मिस्ट्रेस पम्फ्रे हैं वो ट्रिकी को बहुत ज्यादा प्यार करती हैं. वो उसके किसी भी डिमांड को बिना पूरा किए नहीं रुकने वाली होती हैं. और जो स्टूडेंट्स ट्रिकी होता है वो ऐसा डॉग होता है जो भोजन को किसी भी टाइम रिफ्यूज नहीं करता है.
जब भोजन आए वो उसको स्वीकार कर लेता है, मतलब जो मॉर्निंग हो आफ्टरनून हो इवनिंग हो जो हो, चॉकलेट उसको खाना आइसक्रीम खाना बहुत पसंद, मीठा बहुत ज्यादा खाता है। और उसकी जो मालकिन होती है वो उसके इसको इतने प्यार में होती है जो उसको रिफ्यूज नहीं करती। इसके चलते उसको लैक ऑफ एक्सरसाइज हो जाता है, पूरा शरीर उसका बल्कि हो जाता है, फैटी हो जाता है। तो जब पहली मुलाकात चैप्टर की जब ओपनिंग होता है तो डॉक्टर उनको समझाते हैं कि आप इसको केयर नहीं करती हैं तो ये कैसा हो गया है, देखिए इसकी स्थिति कितनी खराब हो गई है। तो थोड़ी सी शर्माती हैं मिस्टर स्पंप्रे, अपने इस हैबिट से शर्माती हैं लेकिन अपनी हेल्पलेसनेस भी दिखाती हैं कि डॉक्टर साहब मैं करूं क्या, ये मैं चॉकलेट आइसक्रीम खाना पसंद करता है और मैं इसके डिमांड को रोक नहीं पाती हूँ। फिर भी डॉक्टर वहां पे उनको कन्विंस करते हैं कि आप इसको एक्सरसाइज कराइए, एक डाइट अच्छा बनाइए और अच्छे डाइट इसको दीजिए, और यहाँ पे बातें होती हैं और आई होप उसको अच्छा समझा करके वो चले जाते हैं। कुछ सप्ताह बाद मिस्टर्स जो पंपरे होती हैं उनका फोन जाता है डॉक्टर के पास, माने हैरियट के पास। फोन जब जाता है तो फोन पे बताती हैं कि जो हमारा पेट डॉग है यानी जो ट्रिकी है वो कुछ खा ही नहीं रहा, कुछ पी ही नहीं रहा, जहां है उसे पड़ा हुआ है, जीभ जो अपने शरीर से बाहर निकाल दिया, हिल रोल भी नहीं रहा, स्थिति बहुत गंभीर है। एक तरह से टीयरफुल टोन में वो बात करती है और तुरंत जो है कि जो डॉक्टर होते हैं हैरियट होते हैं उनके घर पहुंचते हैं। वो स्थिति को बिल्कुल समझ जाते हैं और उसे कहते हैं कि इस डॉग को सबसे पहले इट नीड्स टू बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अ फोर्टनाइट एटलीस्ट, यानी लगभग एक पखवाड़े के लिए, एक पक्ष के लिए इसको पहले अस्पताल में ले जाना पड़ेगा। वो भेजना तो नहीं चाहती हैं लेकिन ट्रिकी के लव में उनको भेजना जरूरी हो जाता है। फिर सारी वो हॉस्पिटल से गाड़ी मंगाई जाती है और ट्रिकी के जो सामान होते हैं जैसे फूड बाउल है, वाटर बाउल है और उसके ब्लैंकेट्स हैं या और उसके कोट्स हैं, अलग अलग प्रकार के वो पहनता है हर सीजन में, रेनी सीजन में, विंटर सीजन में, सारे इकट्ठे कर पूरा सामान हो जाता है और वो ट्रिकी को लेकर अस्पताल में जाते हैं। स्टूडेंट्स जब वो अस्पताल में अपने लेके जाते हैं तो करते कुछ नहीं है, सबसे पहले उसे एक एलोन रूम में रख देते हैं और उसके बाद शुरू के दो दिन केवल उसे पानी पिलाते हैं, भोजन एकदम दूर कर देते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स वो इतना ऑयली खा चुका होता है, इतना फैटी खा लिया होता है, उसको दो दिन केवल जल पे रखते हैं। वहां जो अन्य डॉग्स होते हैं वो उसको पहले देखते हैं, वो उसको घूरते हैं, कुछ बोलता नहीं। धीरे धीरे कहानी में आप जाएंगे तो वो उन डॉगों के साथ एक तरह से मिक्सअप हो जाता है, अब उनके साथ वो जंपिंग करना शुरू कर देता है, उनके साथ रनिंग शुरू कर देता है, उनके साथ चूहे पकड़ना शुरू कर देता है, उनका दिन का जो ट्रिकी का एक्सरसाइज वो बहुत पर्याप्त होने लगता है। अब धीरे धीरे ट्रिकी को थोड़ा सा भोजन दिया जाता है ना तो वो उसके लिए वेट करता है, दौड़ के जाता है, उसको ग्रहण करता है और बाकी कुत्तों के साथ वो धीरे धीरे दौड़ते कुत्ते उसका शरीर का जो शेप है वो धीरे धीरे बदलने लगता है, वो हैप्पी रहने लगता है। इधर जो मिस्ट्रेस पंपरे होती हैं वो बहुत अपने ट्रिकी के लिए परेशान होती हैं और एक दिन वो डॉक्टर साहब के पास मिलने चली जाती हैं और उसे इतना मतलब उनके पूछती हैं हाल चाल आप बताइए कैसा है, वो उसके लिए रोज कुछ 1 डजन अंडे मॉर्निंग में दे जाती हैं कि तो लीजिए हमारे ट्रिकी को आप खिलाइएगा, बड़ा अच्छा काम होता है उन अंडों से। क्या होता है कि जो डॉक्टर साहब होते हैं उनके जो साथ वाले लोग होते हैं उनका नाश्ता अच्छे से हो जाता है, उसमें अंडे की मात्रा बढ़ा देती हैं और कुछ दिन बाद तो मतलब बियर भी देती हैं कि लीजिए हमारे ट्रिकी को आप पिलाइएगा। इससे उनका जो डॉक्टर साहब होते हैं उनका नाश्ता भोजन उसके बाद ड्रिंक सब आराम से चलने लगता है और वो उसको नॉर्मल फूड पे ही रखते हैं। ऐसे करके जब लगभग स्टूडेंट्स 15-20 दिन निकल जाते हैं तो वो एक दिन जो है कि फोन करते हैं मिस्टर्स पंपरे के पास कि मैम योर ट्रिकी इज नाउ वेल कम्प्लीटली, वो जो सर्जरी था बिल्कुल सफल रहा और आप उसको ले जा सकती हैं। स्टूडेंट्स केवल सुनने की देरी था, 15 मिनट के अंदर वो मिस्टर्स पंपरे वहां पहुंच जाती हैं अपने सभी गाड़ी लेकर के सामान लाने के लिए और सारा सामान जो है वैसे जैसे वो भेजी होती हैं डॉक्टर साहब वैसे ही उनको लदवा देते हैं और फिर ट्रिकी को उनके गोद में, जैसे ट्रिकी पहचानता है मिस्टर्स पंपरे को वो लिकिंग स्टार्ट कर देता है, वो उनके साथ प्रेम स्टार्ट कर देता है, फिर उनके साथ बैठ जाता है और एक ओबलाइज्ड टोन में जो मिस्टर्स पंपरे होती हैं वो डॉक्टर साहब को ये कहना चाहती हैं कि मतलब मैं हाउ कैन आई थैंक यू, आपने जो मेरे लिए किया, मेरे ट्रिकी को इतना आपने स्वस्थ कर दिया, इसकी सर्जरी, वही वो कहती हैं कि दिस इज अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, माने आपकी जो सर्जरी वो कामयाब रही, मेरा ट्रिकी एकदम हेल्दी हो गया, स्मार्ट हो गया, गुड लुकिंग हो गया, ठीक है ना। तो ये सारी बातें जो हैं उसमें
आती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको ये लेशन अच्छा लगा होगा। अब इससे आप कहानी में जाएंगे, स्टोरी को एनालाइज करेंगे, मोरल वैल्यूज भी बिल्कुल साफ है स्टूडेंट्स। हमें हमारे जो अपने हैं उनके साथ लाइक में और लव में बहुत अंतर होता है। हमें ये देखना होगा कि हम अपनों को कैसे रखें। कई बार हमारा अत्यधिक प्रेम हमारे अपनों के लिए खतरनाक बन जाता है। यही इस लेसन का मेन जो है कि थीम है। आई होप दैट यू ऑल हैव एंजॉयड दिस लेसन। ओके थैंक्स, बी सेफ एंड कीप लर्निंग। ओके थैंक्स।